दोस्तों, आज का विषय है सांख्यिकी। यह इस विषय का तीसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, संचयी, बारंबारता, बंटन और तोलन। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ने से पहले यह देखते हैं कि माध्यक क्या होता है। वह केंद्रीय प्रवृत्ति जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देती हो। अब देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्यक कैसे निकालते हैं। पहले हम प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में लगाते हैं, फिर n यानी प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है यानी ऑड है तो माध्यक होता है n प्लस 1 बाय 2 वा प्रेक्षण, वरना n सम यानी इवन होता है और माध्यक n बाय 2 वे प्रेक्षण और n बाय 2 प्लस 1 वे प्रेक्षण का औसत होता है। अब देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालेंगे। अगर हमें आखिरी वर्ग तक बारंबारता का योग पता चल जाए तो हम इसे n बोल देंगे। तो हमारा माध्यक किसी ऐसे वर्ग में होगा जिस तक बारंबारता का योग n बाय 2 के पास हो। इसका मतलब हमें एक ऐसा गुण बनाना होगा जो हर वर्ग के लिए उस वर्ग तक का बारंबारता का योग निकालेगा। इसे हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। माध्यक वर्ग, वह वर्ग जिसमें माध्यक हो यानी उस वर्ग की संचयी बारंबारता n बाय 2 से बड़ी होनी चाहिए और उसके पिछले वर्ग की उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उसके पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता n बाय 2 से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर। माध्यक का फॉर्मूला निकालने का प्रयत्न करो। हिंट है, याद करो हमने बहुलक का फॉर्मूला कैसे निकाला था। यहां भी उन्हीं अनुपात का इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक का फॉर्मूला निकालते हैं। हम किसी संचयी बारंबारता के ग्राफ को देखेंगे। समझो वो ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ n होगा आखिरी वर्ग की संचयी बारंबारता यानी यह, और n बाय 2 यह होगा। अब हमें एक ऐसा वर्ग ढूंढना है जिसकी संचयी बारंबारता n बाय 2 से बड़ी हो परंतु उसके पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता n बाय 2 से बड़ी ना हो। तो ऐसा वर्ग यह वाला है, इसे हम माध्यक वर्ग बोलेंगे। अब इस वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम इस वर्ग की संचयी बारंबारता में से पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता हटा देंगे यानी f आएगा यह। हमें करना क्या है कि इस माध्यक वर्ग में एक ऐसा x ढूंढना है जिसके लिए संचयी बारंबारता n बाय 2 आती हो। तो हम दो लाइन खींचेंगे जहां यह होगा n बाय 2 माइनस सी एफ। सी एफ पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता है। अब यह h है और यह l है। हमें दिख रहा है कि l से h दूरी पर f है बारंबारता। तो किस x दूरी पर बारंबारता n बाय 2 माइनस सी एफ होगी। यह एक अनुपात का सवाल है। x आएगा n बाय 2 माइनस सी एफ बाय f इंटू एच। माध्यक होगा l प्लस x यानी l प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ बाय f इंटू एच। चलिए अब इस फॉर्मूला के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। पहली है कि इस फॉर्मूला में हमने यह माना है कि आंकड़े सतत यानी कंटिन्यूस वर्ग अंतरालों में हैं। इसका मतलब अगर किसी सवाल में वह आंकड़े सतत नहीं है तो पहले उन्हें सतत वर्ग अंतरालों में डालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी सवाल में आंकड़े हैं 0 टू 10, 11 टू 20 और ऐसे ही, तो हमें इसे 0.5 टू 10.5, 10.5 टू 20.5 और ऐसे ही अंतरालों में डालना पड़ेगा। दूसरी बात है कि यह फॉर्मूला हम सिर्फ समान वर्ग मापों वाले यानी जिन वर्ग अंतरालों के लिए ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का अंतर समान हो उन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों पर लगाएंगे।
संचयी बारंबारता बंटन। संचयी बारंबारता दो तरह की होती है, कम प्रकार की और अधिक प्रकार की। हमने अभी जो पढ़ी वह कम प्रकार की संचयी बारंबारता थी। आइए इन्हें एक उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। उदाहरण है, किसी परीक्षा में 53 बच्चों के अंक 100 में से एक सारणी में दिए हुए हैं। इन आंकड़ों के लिए कम प्रकार और अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाएं। उत्तर है, यह है कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन, यह अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन। हमने अभी संचयी बारंबारता बंटन पढ़ा, परंतु उसका फायदा क्या है? इसका उत्तर है तोरण। तो अब यह तोरण क्या होता है? तोरण संचयी बारंबारता का ग्राफ होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि तोरण पढ़ने का फायदा क्या है? सोचो, अगर हमें किसी आंकड़े के लिए उसका तोरण मिल जाए तो हम उस आंकड़े का माध्यक बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो को पॉज करें और हमने जो माध्यक वाला उदाहरण किया था उसके लिए कम प्रकार का और अधिक प्रकार का तोरण बनाएं और इन तोरण से माध्यक ज्ञात करें। इसका उत्तर आएगा, यह है कम प्रकार का तोरण, यह अधिक प्रकार का तोरण और माध्यक 66.4। अब हमने माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ लिया है, तो अब एक प्रश्न उठता है कि कब कौन सा, माध्य, बहुलक और माध्यक कब इस्तेमाल करें? समझो आप किसी जूते की कंपनी के मालिक हो। आप जानना चाहते हो कि एक दिन में आपकी कंपनी कितने पैसे कमाती है। यहाँ हम वो दिन भी गिनेंगे जब बहुत नुकसान हुआ था और वह भी जब बहुत लाभ हुआ था, तो इसीलिए हम यहाँ माध्य का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपको बताना है कि आपकी कंपनी में कार्यकर्ताओं की औसतन पगार कितनी है, यहाँ कुछ एक दो लोग ऐसे होंगे जो बाकियों से ज़्यादा कमाते होंगे और इनकी वजह से माध्य पर असर पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ माध्य नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ माध्यक इस्तेमाल करना सही रहेगा। अब समझो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें किस नंबर के जूते ज़्यादा बनाने चाहिए। यहाँ हम चाहेंगे कि जिस नंबर का जूता सबसे ज़्यादा बिकता हो उसी को ज़्यादा क्रमांक में बनाएं, इसीलिए यहाँ हम बहुलक का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब अगर हमें चरम मानों यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अपने औसत में गिनना है तो हम माध्य का इस्तेमाल करते हैं वरना माध्यक का, और अगर हमें देखना है कि हमारे आंकड़े में कौन सा मान सबसे ज़्यादा बार आता है तो हम बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब सांख्यिकी एक नज़र में देखते हैं। हमने तीन केंद्र प्रवृत्ति के मापक देखे जो कि थे माध्य, बहुलक और माध्यक। माध्य निकालने के लिए हमने तीन विधियां देखी थी जो कि थी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। हमने बहुलक का फॉर्मूला निकाला था और हमने माध्यक का फॉर्मूला निकाला था। जैसे हमने माध्यक और बहुलक का फॉर्मूला निकाला था, ऐसे कुछ फॉर्मूला जिन्हें हम प्रयोग सिद्धि फॉर्मूला कहते हैं वह निकाले नहीं जा सकते। इसका मतलब वह बहुत सारे आंकड़ों को देखकर बनाए जाते हैं परंतु उन्हें निकालना संभव नहीं है। ऐसा ही एक प्रयोग सिद्धि यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला है सांख्यिकी में, जो तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों को आपस में जोड़ता है। यह फॉर्मूला है 3 बार माध्यक, 2 बार माध्य और बहुलक के बराबर होता है। कोई भी तीन आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक निकालें और देखें क्या वह इस फॉर्मूला में सही बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, संचयी बारंबारता बंटन और तोरण। मेरी तरफ से सांख्यिकी में इतना ही। धन्यवाद।